नमस्कार दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन है। भारत इस मैच में जीत के बहुत करीब है। दोस्तों, पांचवे दिन अगर टीम इंडिया करेगी ये पांच काम तो सेंचुरियन में टीम इंडिया रचेगी इतिहास। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, साथ ही ये भी बताएंगे कि पांचवे दिन कैसा होगा मौसम का हाल, क्या बारिश होगी या नहीं। दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी लगता है कि पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत पाएगी तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, खेल के चौथे दिन भारतीय टीम की दूसरी पारी महज 174 रनों पर सिमटी और पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका को 305 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में मेजबान टीम ने दूसरे ही ओवर में एडन मार्करम का विकेट गंवा दिया। शमी ने उन्हें एक रन पर बोल्ड किया। इसके बाद कीगन पीटरसन 13 ओवर तक क्रीज पर डटे, लेकिन सिराज की बेहतरीन गेंद ने पीटरसन की पारी का अंत कर दिया। वो 17 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इस बीच साउथ अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर रन बनाते रहे। उन्होंने रासी वेंडर डुसा के साथ 40 रनों की साझेदारी की। इस जोड़ी को बुमराह ने तोड़ा। बुमराह ने एक जबरदस्त गेंद डाली जिसे वेंडर डुसे समझने में असफल रहे और क्लीन बोल्ड हो गए। दिन के आखिरी ओवर में नाइट वॉचमैन केशव महाराजा ने जसप्रीत बुमराह पर एक बेहतरीन चौका भी जमाया, लेकिन फिर जबरदस्त यॉर्कर पर बुमराह ने महाराज को आउट कर दिया। टीम इंडिया के लिए दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने एक एक विकेट लिया। खेल के पांचवें दिन अगर टीम इंडिया सेंचुरियन में जीत हासिल करती है तो ये उसकी इस मैदान पर पहली फतेह होगी। इससे पहले टीम इंडिया ने इस मैदान पर खेले दोनों टेस्ट मैच गंवाए हैं। हालांकि अब भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का मौका जरूर है। सेंचुरियन में इतिहास रचने से टीम इंडिया महज 6 विकेट दूर है। वहीं साउथ अफ्रीका अभी जीत से 211 रन दूर है और पिच के हालात को देखते हुए बल्लेबाजों का टिकना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, पांचवे दिन अगर सेंचुरियन के मौसम की बात की जाए तो यहां भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दिख रही। एक्यू वेदर की रिपोर्ट की माने तो आज यानी 30 दिसंबर को 2 घंटे बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही थंडरस्टॉर्म की भी आशंका जताई गई है। इस दौरान बादल भी छाए रहेंगे। बारिश भारत के अरमानों पर पानी फेर सकती है और इसके अलावा साउथ अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर भी भारत को परेशान कर सकते हैं। कप्तान इस समय 52 रन बनाकर खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की उम्मीदें अपने कप्तान और बारिश से ही है। वहीं इस मैच में टीम को हार से बचा सकते हैं। भारत को 6 विकेट चाहिए और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वह पहले सत्र में ही ये सब 6 विकेट अपने नाम करे। आज बारिश की आशंका बनी रहेगी, इसके अलावा हवा भी चलती रहेगी। ऐसे में भारतीय तेज गेंदबाजों को परिस्थितियों का फायदा उठाकर गेंदबाजी करनी होगी। मैच के आखिरी दिन मौसम का मिजाज भारत के पक्ष में होगा। ऐसे में टीम इंडिया की पेस बैटरी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर हावी नजर आ सकती है। शमी और सिराज खासकर इन कंडीशन को बेहतरीन तरीके से फायदा उठा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से टेम्बा बाउमा और क्विंटन डिकॉक अभी बल्लेबाजी करने के लिए बचे हुए हैं। एल्गर क्रीज पर टिके हुए हैं। टीम इंडिया के गेंदबाजों को कोशिश करनी होगी कि वो इन तीनों के बीच में कोई बड़ी साझेदारी न होने दे। इन तीनों ने ही दक्षिण अफ्रीका को पहले भी कई बार संकट से निकाला है। ऐसे में इन तीनों के साथ टीम इंडिया को खास रणनीति के साथ उतरना होगा। पहली पारी में टीम इंडिया की बढ़त और ज्यादा की हो सकती थी, लेकिन कगिसो रबाड़ा और मार्को जेंसन ने मिलकर अहम पारियां खेली थी। जेंसन ने 19 और रबाड़ा ने 25 रनों का योगदान दिया था। अब भारत ने 305 रनों का लक्ष्य दिया है। ऐसे में उन्हें इसमें से किसी को भी क्रीज पर सेट होने का मौका देना भारी पड़ सकता है। विराट फील्ड प्लेसमेंट में माहिर हो चुके हैं और अपने एग्रेशन के साथ प्लानिंग से विरोधी टीम पर दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर विराट को अपना ऐसा ही रूप दिखाना होगा। तो दोस्तों, क्या टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।